नहीं रोकेंगे, इसलिए आप इनको रोकने की कोशिश भी छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ जापान के इस जबरदस्त और टोटल नॉनसेंसिकल गेम शो में, जहां जमीन की आकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी खिलाड़ियों की दुश्मन बनी हुई है। जो भी यहाँ आएगा नीचे जाएगा। आज पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी स्क्वायर मेज में, पकड़ छूटेगी मशरूम ट्रिप में, दांत बाहर आएंगे नॉकआउट में, और गुलाटिया खाएंगे सुमो रिंग्स में। जी हैं बहनों भाइयों, सही पहचान है, क्योंकि यही है वो सबका हर दिल अजीज ताकेशीस कासल। आई लो यहाँ जनरल वाज अपनी फौज को जमा कर लिया है, और ये ससुरे गिरेंगे और टकराएंगे और क्या करेंगे, गुलाटी खाएंगे और फिर भी बच गए तो फाइनल शोडाउन में टैंकवा दौड़वाएंगे। तो दोस्तों, एक खिलाड़ी सर पर कफन मतबल हैदार हेलमेट पहनकर जा रहे हैं स्लिपरी वॉल पर, और यहाँ इस दीवार पे चढ़ना है, आधे रास्ते तक तो ऐसे ही चढ़ना है, बाद में रस्सी पकड़ के पार करना है और पानी में उसका मुंह भी तोड़वाना है। क्या कर रही हूँ, फिसल पट्टी कर रही, फिसल गुंडी, पानी में जाकर गिर रही, कैसे गिर रही भाई, और देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, तो चढ़ चढ़ के बन्ना तोड़े, देखो बिल्ला के भाई सही नहीं थी भाई, वो पतलू उतारेगी क्या, चड्डी उतारते, अर नको करना भाई, और लड़की नको छोड़ी हुए खुद को लेकर डूबे भाई, चड्डियां खींच रहे एक दूसरे की, क्या तो भी कर रही है भाई, और ये डाई दूसरे ने सामने मारी, और ये अच्छी देखिए फौज जैसी जमी हुई है, चंद्र विभूषण पांडे जी का कीचड़ जो है खूब बदबूदार कीचड़ एक दूसरे के नाकों में घुस रहा है, और ये ग्रिप देखिए सिल्वेस्टर स्टालोन की तरह क्लिफ हैंगर में, लेकिन ये हैंगर बन के रह गई है, और ये धक्का गंदे होने के बाद स्नान स्क्वायर मेज में, गेम शुरू, पहला कबूतर तैयार, अंदर आया, लाइन पकड़कर सीधे सीधे दौड़ पड़े और सीधे कटरिया तालाब में, प्यास बुझाओ घर जाओ। अगला खिलाड़ी रवाना, अंदर आए, सीधे आए और सीधे गए, कुछ ज्यादा ही सीधे, और ये लाल मिर्ची आई, देखते सीधी जाएंगी क्या करेंगी, नहीं टर्न मारने की कोशिश की मगर श्यामू और रामू ने रास्ता बंद कर दिया, अब इनके पास एक ही रास्ता है, एक ही दुक्की में कपड़े धुल गए, क्या बात है। एक और लेडी पार्टिसिपेंट सीधा रास्ता पकड़ा मगर टर्न लिया, कामयाब रही, तेज नहीं भाग सकी और रंगीले रामों के चुंगल में फंस गई, और फिर अपना काला मुंह लेकर गेम से बाहर, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला तो सुना था मगर ये बुरी डगर वाले तेरा मुंह काला, ओहो पट्टे वाली बनियान, बॉल तो पार कर ली थी, क्या मेज को पार कर पाएंगी, जी नहीं ये तो खुद ही पार हो गई, डोंट वरी बी हैप्पी। hey, अरे आइए आइए, आपकी कमी थी, अंदर आकर रुक गई, ये रामू और शामू कंफ्यूज, गंजे शामू ने देखा और नहीं देखा, हे अब तक नहीं देखा, और ये कंफ्यूज है, चल रहा है, डकारे मार रहा है गंजा, और ये लड़की भागी, और क्या इस लड़की के चुंगल में आ गई, नहीं लड़की पानी में गई है, अब देखते हैं कि इनके लिए क्या मुमकिन है, ये कुश्ती वाले कुछ कॉस्ट्यूम पहन के आए, और दरवाजा नहीं पेंटिंग है यार, और ये गंजा रामू चीखता बोले हो रहा था, और ये पानी से बाहर, पानी से बाहर, दरवाजे से बाहर, सॉरी कोई बात नहीं चलता, और ये आंटी आई थोड़ी धीरी लग रही है, और ये हुर्राने से लोग साइकोलॉजिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छा टर्न लिया, और ये बात, और ये निकल गई, क्या बात है, और एगा जी सड़ा राम चिकरी प्ले, बड़े बड़े सूरमा इतने होता खा गए, और ए कुड़ी कबड्डी खेलते खेलते बाहर आ गई, उड़ जम के बैठो जी, फंसी जा रहे हैं मशरूम टिप, और ये बजे सिटी, और लड़का खेलने निकला पिटी, मसल क्या दिखा रहा है,
क्या प्रूव करने वाला है पता नहीं, मसल दिखा के। और ये शुरू होने पकड़ ही नहीं सका। ये देखिए एक बार फिर ज्यादा मसल दिखा रहा था, पता नहीं कहा उधर उधर के हाथ अटक गया और ये गया नीचे। इसीलिए कहते कॉन्सेंट्रेशन करा करो वरना कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंच जाओगे। और ये लस्सी को लटके हुए काफी तेज घूम रहा ये मशरूम, मुझे नहीं लगता कि ये रुक पाएंगे, लेकिन रुक गए। और ये रस्सी फिसली और नीचे इतने करीब गई लड़की थी भाई, ओह सॉरी। और ये ग्रिप पहले से ही छूट गया। अरे भूखे सत्य कैसे फड़फड़ा रही सैल नहीं, वो बीप हो गया था क्योंकि हम वो टीवी पे ये नहीं बोल सकते ना, ऐसे ही रूल्स हैं टीवी के छिछोरे किस्म। खैर, और ये दूसरे मियां मिट्ठू और ये अच्छी तरह लटके हुए हैं, अच्छी घूम रही है, घूमी घूम घूम घिर रही है और आधे रास्ते तक तो ठीक, लेकिन यहाँ पे ढीला होना शुरू हुआ है। और अरे रे 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 रे, एक फुट से बच गए, एक फुट पे लग भी गया उनको, बैड लक। अरे यार तेरी तो लक की बात छोड़, तू यहाँ से भगे थे छिछोरा किस्म का, पता नहीं जापानी भी कैसे कहते छिछोरे पड़े थे यार, सिर्फ जुमित ले मैं बोलता। खैर, और ये दूसरे, ये मुझे नहीं लगता है ग्रिप ही गलत है, ग्रिप ही गलत है भैया, ग्रिप गलत है लेकिन लटका हुआ है ढीट। अरे बाप रे, अरे जाएगा क्या ये पार हो पाएगा, और ये पार हो गया। मेरा जजमेंट रॉन्ग था, मैं मात मानता हूँ, आप मुझे 10 रुपए कम दे देना। और ये गया, ये घिर्री बन के घूम गया, इसका दिमाग भी घूम जाएगा, ऐसे लोगों के दिमाग घूम जाते होंगे, इसमें ऐसा घूमता ही जो मशरूम। और ये छबाक, मछली पकड़ने का नायाब तरीका। और ये एक्चुअली ये पानी भी जो है बड़ा ही आधुनिक किस्म से हमने इसमें डेंगू और चंगू और कौन से हो चिकन गुनिया के कीटाणु डाले हैं, लग गए तो लग गए। और ये नदिया के पार, ओहो, और इनकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारा रिप्ले क्या है राप चिक। ये देखिए लट्टू की तरह घूमते हुए आए और टट्टू की तरह झूमते हुए चले गए। और हमारी अगली चुनौती है नॉक नॉक। कुछ ज्यादा ही जोर से आया जज्बात में और चंद्र विभूषण पांडे जी के कीचड़ का जो एक सुरूर था वो छा गया और फिर से एक बार पार। अरे मैं सीधे भी जा सकता है ना, डाइव मारने की क्या जरूरत है। और सामने देखिए जापानी रावण, लेकिन ये बोले हटिया से हट, मेरा मूड खराब है, हटिया से सामने बताना। और ये फिर से जो जोर से निकला और इसके पास, यार इसके सामने अगर दरवाजा आ जाएगा इसके तो बैंड बच जाएंगे, इतनी जोर जोर से आ रहा है ये देखना। ये गया और अरे पता था मुझे, बहुत ही बड़ा था, पता ही था ये तो गुल 3 दिन के लिए बत्ती गुल इसकी। और ये आंटी आई और पहले में ही कंधा, तो आंटी नहीं अंकल है, अरे बाप रे यार कैसा लग रहा है, आंटी लग रहा है क्या है, मेरा फॉल्ट नहीं यार, हम जापान में ऐसे बन जाते हैं। हाँ ये पार, कंधा बच गया, पांडे जी का कीचड़ अपना कमाल दिखा रहा है। और ये दूसरे में कंधा गया, अरे बाप रे शेख चिल्ली तू तो निकल ले दिल्ली। और ये फाड़ के निकली है मोहतरमा, और ये अरे बाप रे चिल्ला के अटक गई। और ये रावण का हमला, छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। और ये आया और कीचड़ में लखपत, अरे गया इसका कंधा, सब गंदा है पर कंधा है ये, हमारा धंधा है ये। अबे बार बार तोड़वाएगा क्या करेगा, इधर अस्पताल का धंधा काफी होता है ये तकेशी कासल में, डॉक्टर और नर्सों की खूब कमाई जो बाहर खड़े करते वेट करते हैं दिन भर, जैसे ऑटो रिक्शा वाले एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहते कि हमें कोई ग्राहक मिल जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर खड़े रहते हैं बाहर की, कोई ना कोई पेशेंट तो आएगा, बाहर लाइन लगी रहती है। और ये तीसरा दरवाजा भी पार कर गए और ये पार बार बार लगातार। और हम देखते हैं जेजे का रापचिक रिप्ले। और ये देखिए लेटेस्ट जापानी डेवलपमेंट, ये सर का भेजा पेट से होते हुए हथड़ियों के बाहर कैसे निकलता है। लेकिन आगे आप देखने वाले हैं पोल्स अपार्ट के झटके।
और बीच बॉल में पड़ते फटके, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Hey, stay tuned. बम 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 बम, आप सबका स्वागतम। खत्म होने वाली है कईयों की बारी, क्योंकि अब है बोल सपाट की बारी। इस खेल में चाहिए सही निशाना, अच्छी उछाल, मजबूत बाजू और जोरदार किस्मत। इनके पास सब कुछ था सिवाय किस्मत। बैड लक बॉस। अगली लेडी रवाना। रवाना मतलब अपने घर रवाना। भाई साहब, आपको कोई शायद गलतफहमी हो गई थी। प्लेटफॉर्म पे आपको जाना था, पोल को नहीं। अपनी बेवकूफी की पोल खोल दिया। अरे ये सीधे प्लेटफॉर्म पे। बड़े खुश होना चाहिए, अपने चिल्लाए यार। कुरियर से सिखाता हूँ मैं जापानी लोग कैसे करना चाहिए। और ये पता नहीं, अबे चलना, कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, कम ऑन। करने वाली यार, नंबर क्या फोन। अरे कम ऑन यार, कम ऑन यार, गुड। ये पेंडुलम की तरह झूले और अरे री री री, मगर थोड़ा सा रास्ता भूले। और ये गया गया, जाने वाला था, जाने वाला था। ये कहाँ से आ जाते हैं। और ये लड़की अच्छा जा रही है, मुझे लगता है कर लेगी, और कर लिया इसे। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर। और जे जी गलाफी क्रिकले में देखते हैं क्या ये आए पेंडियम लम की तरह झूले और स्लो मोशन में सीधे प्लेटफॉर्म पर। और ये झाग, ये झाग वाला है। और आगे कौन आने वाला है सुमो रिंग्स में। निकाला बॉल नीला, और किसको करेगा ये ढीला। चूस ली यार, इसके बगल में बाल बड़े कमाल के। कौन सा तेल लगाता हूँ पता नहीं, जुए भी बहुत होगी उसके बगल में, जापानी जुए। ऐसे आदमी से लिपटते हैं जब भाई कराहट से आती होगी ना, इसे बगले जब आपके चेहरे को दबोचती होंगी। उफ, सोच के झुरझुरी आ जाती। और ये तैयारी, चपट और एक दूसरे की टांग खींचते हुए इयररिंग से कोई बात कर रही है। बड़ी तगड़ी तरंग, ऐसे तिलमिला के एकदम दिखा के रहूंगा। और ये चूस ली बाहर, और दूसरा भी बाहर। कौन आउट हो, चूस ली आउट, और ब्रूस ली इन। क्या बात है जवान। चूस ली के तो पता नहीं यार, शादी भी हुई है कि नहीं यार। और ये लाल बॉल, ओ आया माइकल हार्स सामने। और ये चावल फेंकने का रिवाज, लेकिन चावल उसने उसके छाती पर फेंक दिया। चेहरे से बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा कि गुस्सा है, लेकिन देखना, 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 ये क्या टक्कर, वीरू से टक्कर। जीरो जीरो नहीं, जीरो। और ये पीला बॉल, बॉल तो दिखाई नहीं हमको, बताया ना, हमने देखा, आपने देखा नहीं। और ये लड़की की लड़की से टक्कर। और देखते हैं, एक मोटी और एक छोटी, बड़ी, अरे और मोटी को बाहर कर दिया, दमदार है छोटी। प्लीज बुरा मत मानना, आपके हस्बैंड इनकम टैक्स ऑफिसर है, प्लीज आप उनको कंप्लेन मत करना मेरे लिए। अगले खिलाड़ी को मिला गुलाबी बॉल, और मुकाबला होगा जामनी सुमो से। अरे पिंक वाला शर्ट सुसु का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और ये सुमो तगड़ा ग्रिप मिल गया, लेकिन सुमो को नीचे गिरा दिया, क्या बात है। और ये रेफरी गुस्से में आके दांत मारी, हट जा से, दांत कटवा दिया भाई, आ गया से, आना नहीं वापस। देखते ही टप्पू, इनको मिला बॉल लाल, और भूल गए अपनी चाय। और ये लेके चावल लेके, ओहो ये हिलता जब है ना, सब कुछ हिलता है इसका। और ये जो सेरेमनी होती है इनकी, एक रिवाज के पहले करना पड़ता है, ये देखिए पॉटी के पोज, और फिर एक बार पॉटी, और ये तू पड़े, अरे नीचे धिक्कार दिया, और ये आउट। और ये जनरल ने कहा कोई बात नहीं, जिसको चाहे आप सेलेक्ट कर ले। जनरल तो इस पे फिदा हो गया, और इसने चुना चूस ली को, क्यों ना चुना, हर समझदार यही चुनेगा। और ये चूस ली, ये देखिए नमस्ते करके बगले दिखाई, ये बगले साफ है बिल्कुल, डिओड्रेंट मार के आया हूं मैं।
और लड़की सोच रही है कि इसकी बगलों से दूर कैसे रहूं मैं। ये देखिए 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 बगलों को कैसे अवॉइड कर, देखा आपने, देखा देखा ये कि नहीं 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 बगले दूर बगले दूर बगले दूर, छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़, हट। और ये ताजा झाकी और नो, और ये पटखनी दी उसने लेकिन नहीं गिर रही है, और चूसी को उड़ा के बाहर कर दिया लेकिन गिर रही, सॉरी बेबी। और ये इनको मिला हल्का हरा बॉल, और सामने कौन, सामने भी हल्का, अरे वाह, उसको तो पता नहीं था बेचारे अपने चावल धो रहा था पकाने के लिए, और अरे वाह, सामने वाला कुंग फू कराटे जैकी चैन, लेकिन वो सामने वाला दिखा रहा है उसको अपना फैन, और व्हाट यू थिंक ही कैन, नहीं वो तो भाग रहा है, नहीं 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 धक्के में आउट। और इसने सज्जा किया, मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। इनको क्या हो गया, हाथ जल गया क्या? जलेगा बिल्कुल, हाथ क्या सब कुछ जलेगा, सामने सुमो मास्टर, और ये अपना कसते हुए कमरबंद, और ये पॉटी पोज, और ये ऊपर, और फिर पॉटी पोज, फिर पॉटी पोज, एंड क्या होगा, हु नोस। और रेफरी ने कहा कि ओके अटैक, और ये देखिए, और ये तगड़ा है यार, ये बेचारा सूखा था, क्या करेगा इसके सामने, लेकिन कोशिश आग बंद करके कि शायद ना बाहर जाओ, लेकिन चला गया तेरी किस्मत पूरी बेटा। और देखते हैं जरा जीजे गरीब प्ले, गिनती करिए 1 2 3 और बच गई पीन, और जिनकी नहीं बजी उनकी बजेगी पिच बॉल। आज खिलाड़ियों को ब्रिज पार करना है बिना गोल्डन बॉल पकड़े हुए, सिर्फ ये जो बीच में दो छोटे छोटे से पहाड़ हैं उनको पार करना है। ये एक्चुअली पहाड़ नहीं है, गोबर सूखा हुआ जो है वो भर भर के उसके छोटे छोटे पहाड़ बनाए उन्होंने। तो अब्बा पड़ी उसको, अरे पड़ी एक और, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसकी तकनीक होती है क्योंकि ऊपर से पार करना मुश्किल होता है, तो कुछ लोग नीचे से ट्राई करते हैं, लेकिन ये तो ट्राई तो फ्राई हो गई। चलो ये देखिए, एक बार फिर एक बार फिर जोर के फटके, धीरे से, एक्चुअली यहाँ तो जोर का फटका जोर से ही लगता है। ये आया एक पार, और ये दूसरा भी पार, अच्छी चाल, और ये पार, जियो मेरे लाल। ये बाप रे, बहुत एक एक ही मटक दे, लग रहा है कि इनका ही गोबर निकल गया। अरे क्या वापिस बोल रहा है, ले अपना बॉल। ये लम्बू जी आए, पहली रुकावट पे रुके और लटके, और अब क्या होगा, अब तो गए जाएंगे, और क्या होगा, गेंद पड़ रहे हैं खूब, अबे यार पड़ा फटका, एक हाथ से लटका, क्या कर रहा है बॉक्सिंग, हाँ जा घर पे बीवी के बीवी से मार का, इससे तो बेहतर है। और ये दूसरा, ये कुछ फ्रॉग रेस कर रहे हैं यहाँ, ये अच्छी एक इनकी स्ट्रेटजी है कि घुटनों के बल जाओ, लेकिन ये तो लटक गया, अरे बाप रे पैरों से लटक गया। ये कुछ लेटेस्ट जापानी डांस, उल्टा लटकू, हिमेश रेशमिया के गाने पर झटकू, तेरा 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 सुरूर, पिटना है तुझको जरूर। टोपी लेकिन पहनी है अलग किस्म की, हिमेश जी की टोपी अलग किस्म की होती है, लेकिन टोपी टोपी होती है, और गोपी गोपी होती है, जो शायद इसकी जिंदगी में है नहीं और होगी भी नहीं ऐसे परफॉर्मर के बाद, और क्या होगा। देखिए कैसा बैठा हुआ उसके, कम ऑन बेबी, ओके आगे गया बेबी, और बाबा, और बाबा उसके बाद खोलेगा अपना जापानी ढाबा। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि फालतू टाइम निकालना है हमको, राइम तो करना है, कुछ तो कर लिया, अभी आगे बढ़ा और पार हो गया, देखा मैंने टाइम कैसे फिल अप किया, ऐसे ही यही होता है चतुराई। और ये कौन आंटी, ये आंटी आंटी आई और गोबर ढेर को फेरेगी, ये पिछवाड़ दिखाते हुए लटक गई, अब तो लटक गई, ये तो गई, और ओहो क्या बात है, रिकवरी की, लेकिन नहीं नहीं होगा यार, मुझे लगता नहीं, आपको क्या लगता है, होगा, चलो शत लग गई, लग गई शत। अल्ताफ राजा के कसेट की, कम ऑन, मैं बोलता हूँ नहीं पार करेगी। यारो मैंने पंगा ले लिया, पंगा ले लिया, कहाँ चले गए यार अल्ताफ राजा।
कोई बात नहीं, यहाँ तो इनका बज रहा है बाजा। गया टाटा। और अब देखते हैं जे जे का रापची ग्रीप ले। ये देखिए कितना सीधा बच्चा है, मगर इस खेल ने उसे उल्टा कर दिया। ये देखिए बेचारा। और देखते हैं धुलाई भरा फ्लैशबैक। ये आज के शो में लोगों की जमकर धुलाई हुई है, इज्जत का फलूदा निकला है, पिटाई हुई है, बुरा हाल हुआ है, ओहो धोती का फटके रुमाल हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ गए फाइनल शो डाउन की ओर। ये जापान का मेन लाइन है गटर की, जो यहाँ तकेशी कासल में आगे निकलती है। जितना भी जापान का कचरा कूड़ा है वो यहाँ आगे इकट्ठा होता है। और ये पांच फाइनलिस्ट जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं फाइनल शोडाउन के लिए। क्या बोलता है जनरल, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग समझ गए। अपने अपने टैंकों की ओर और हमला शुरू, अटैक। और क्या करना है वो भी आप जानते हैं कि वाटर पिस्टल चलेंगी और सामने जो पेपर के रिंग्स लगे हुए हैं उनको फाड़ना है और इसका फट जाएगा वो आउट। और खेल काफी एक्टिव, म्यूजिक बैकग्राउंड धुआंधार, और ये फटी रिंग नहीं फटी, नहीं ढीट रिंग नहीं फटी। और एक क्या, और ये बड़े खुश हो रहे हैं एमरल गार्ड जो हैं, बड़े ही ढीट किस्म के। और ये हमला काफी जोर से इसकी रिंग की ओर, लेकिन ये रिंग नहीं फटी अब तक, नहीं फटी नहीं फटी। और ये देखिए बड़ा बोट, अपने आपको बोट बड़ा समझता है, और ये गिर गया बेचारा। इन्हें चाहिए सलमान खान का चिंकारा। और ये ब्रेक मारा, खेल खत्म, पैसा हजम, नहीं हजम तो पैसा बहुत होता है इस शो के ऑर्गेनाइजर्स को। और ये क्या फिर अब हो गया भाई, गेम खत्म, क्या कर रहा है भाई। और ये जनरली बड़ी जोर से लगी थी उनको, वो निकल गए, और मुझे भी बड़ी जोर की लगी है, मैं भी निकलता हूँ, आप भी निकलिए, बिकॉज निकलना बहुत अच्छी बात होती है। इससे पहले कि हम डिटेल में चले जाएं कि हम ये क्यों कर रहे हैं और आप क्यों देख रहे हैं, भैया मनोरंजन करने का खेल है सारा, तब तक के लिए सायोनारा। ये ड्राइविंग मैंने डैडी से सीखी।